चंद्रयान 3 सफल रहा, लेकिन इससे हमें और आपको क्या फायदा हुआ? चंद्रयान पर 620 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च हुई, लेकिन इससे आम आदमी का क्या मतलब है? क्या आपके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल पैदा हो रहे हैं? नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने देश और दुनिया में भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, लेकिन जैसा कि हर सफलता के बाद होता है, देश के विघ्न संतोषी लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए, जैसे कि चंद्रयान भारत की शोशेबाजी है, इससे आम आदमी का क्या वास्ता? बीबीसी ऐसे वामपंथी संस्थान ने तो बकायदा सवाल ही पूछ लिया कि जो 620 करोड़ रुपए यानी $75 मिलियन की रकम चंद्रयान के लिए खर्च हुई, क्या उसका इस्तेमाल देश के गरीबों के लिए नहीं किया जा सकता था? इससे आम आदमी के मन में भी एक संदेह पैदा हो रहा है। इस संदेह को सिर्फ ये बोलकर दूर नहीं किया जा सकता कि चंद्रयान ने भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया और ये एक देश के गौरव का विषय है और विदेशों में इससे भारत का सम्मान बढ़ा है, बल्कि चंद्रयान 3 की सफलता से जलने वालों को तर्कपूर्ण जवाब दिया जाना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि चंद्रयान के साथ 4 पेलोड्स भेजे गए हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला है रंभा, जो कि चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। दूसरा है चास्टे, जो कि चांद के तापमान की जांच करेगा। तीसरा है इल्सा, जो कि लैंडिंग साइट्स के आसपास भूकंपीय एक्शन की जांच करेगा। चौथा है एरे, जो कि चांद के डायनेमिक्स को समझने वाला लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर है। ये चारों पेलोड्स चांद के साथ साथ धरती के आसपास के अंतरिक्ष की भी कड़ी निगरानी करेंगे और उसका आंकड़ा इकट्ठा करेंगे। ये तो आप जानते ही होंगे कि पूरे सौर मंडल में धरती के सबसे नज़दीक चांद ही है और धरती के मौसम पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। चांद की वजह से ही धरती पर के समुद्र पर ज्वार और भाटे आते हैं। तो चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए पेलोड्स धरती के आसपास के अंतरिक्ष की गतिविधियों के बारे में सटीक आंकड़े उपलब्ध कराने वाले हैं, जिनके आधार पर मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इससे समुद्र पर होने वाले ज्वार भाटा के बारे में सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा, जिससे मछली पकड़ने गए मछुआरों और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की बहुत मदद मिलने वाली है, उनकी जान तक बच जाएगी। इसके अलावा पेलोड्स द्वारा भेजे गए आंकड़े हमारे मोबाइल जैसे संचार उपकरणों को सुचारू रूप से चलाने के काम आएंगे। भविष्य में तकनीकी रूप से हमारे संचार उपकरण और एडवांस होंगे, जिससे हमारे जीवन स्तर में सुधार आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल कई नौकरियां तो मोबाइल और इंटरनेट जैसे संचार माध्यमों पर ही टिकी हुई हैं। इसके अलावा चांद पर गए हुए पेलोड्स हमें धरती का सटीक नक्शा तैयार करने में मदद करेंगे, क्योंकि अंतरिक्ष से झांकने पर धरती और समुद्र का सीमांकन तथा कई प्राकृतिक गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इसके द्वारा जंगलों की आग, सुनामी, जलवायु परिवर्तन संबंधित आंकड़े हमें बेहद सटीक रूप से प्राप्त होंगे। मौसम का बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये सभी फायदे हमारी और आपकी आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान के रिसर्च के लिए चंद्रयान 3 बेहद अहम साबित होगा, क्योंकि इसके पहले अमेरिका, रूस और चीन के यानों ने चांद के भूमध्य रेखीय इलाके में लैंडिंग की थी, लेकिन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग की है, जो कि चांद का बेहद दुर्गम इलाका है। यहाँ सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुँचती है, इसीलिए इस इलाके में हमेशा घना अंधेरा छाया रहता है। चांद के दक्षिणी हिस्से का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। इस क्षेत्र में सभी जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो कि आकार में कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई हजार किलोमीटर तक फैले हुए हैं। चांद के दक्षिण क्षेत्र में अत्यधिक ठंड के तापमान में करोड़ों साल से चट्टाने, मिट्टी और अज्ञात वस्तुएं दबी हुई हैं, जो कि हमें प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में ठोस सुराग दे सकती हैं कि बिग बैंग के समय क्या हुआ था, जब सूरज से धरती और चांद अलग हुए थे उस समय क्या हुआ था। इस बारे में हम अभी सिर्फ अनुमान लगा पाते हैं, लेकिन अब जो हमें आंकड़े मिलेंगे चंद्रयान के पेलोड्स के जरिए, वो हमें साफ बताएंगे कि उस वक्त हुआ क्या था। विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए ये शोध बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चांद हमारे आगे के अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए स्पेस स्टेशन के तौर पर भी काम कर सकता है। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी तलाश लिया था, पानी यानी H2O, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु शामिल होते हैं, जो कि रॉकेट्स का ईंधन होता है। चांद के दोनों ध्रुवों पर पानी बेहद ज्यादा है, इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में आगे की यात्रा के लिए रॉकेट्स को ईंधन देने में किया जा सकता है। इसके साथ ही चांद पर हीलियम-3 है, जो कि चांद पर लाखों टन की मात्रा में मौजूद है। ये बेहद कीमती है, क्योंकि ये ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। ये रेडियोएक्टिव नहीं होता है,
लेकिन इससे न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जा सकती है। तो भविष्य में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम चांद से हीलियम 3 ला सकते हैं। और इसके अलावा बोइंग कंपनी ने पता लगाया था कि चांद पर स्कैंडियम, रेट्रियम और लैटिनाइट मौजूद है, जो कि रेयर अर्थ मेटल होते हैं। ये बेहद कीमती धातुएं हमारे काम आ सकती हैं। इसके साथ ही चंद्रयान 3 की सफलता से भविष्य में हमारी आर्थिक समृद्धि कई गुना ज्यादा हो सकती है, जिसका असर सीधे तौर पर हमारे और आपके जीवन पर दिखाई देगा, क्योंकि एक देश जब समृद्ध होता है तो उसकी झलक आम नागरिकों के जीवन पर भी पड़ती है। चंद्रयान 3 की सफलता ने इसरो को विश्वविख्यात कर दिया है। अब इसरो का नाम पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी में शामिल किया जा रहा है। अपनी किफ़ायती कमर्शियल लॉन्चिंग के साथ दुनिया को नई तकनीक देने वाले इसरो को शानदार पहचान मिली है। स्पेस फाउंडेशन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा था कि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2023 की दूसरी तिमाही में $546 अरब के मूल्य पर पहुंच चुकी है। ये आंकड़ा पिछले दशक की तुलना में 91% की वृद्धि को दिखाता है, जिसमें से भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक $13 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। हम आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में ट्वीट करके इसरो को बधाई दी और मात्र 620 करोड़ रुपए में चंद्रयान को सफल बनाने पर विशेष जोर दिया। इसके पीछे भी एक रहस्य है। दरअसल एलन मस्क चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक अपने स्टारशिप रॉकेट भेजना चाहते हैं। मस्क की योजना मंगल ग्रह पर जाने और वहां पे मानवीय बस्ती बसाने की है। एलन मस्क के स्टारशिप रॉकेट प्रोजेक्ट में दुनिया के कई अरबपति अपनी रुचि दिखा चुके हैं, जिसमें से जापान के अरबपति युसाकु आइजवा, दक्षिण कोरियाई रैपर टीओपी जैसे 8 लोग शामिल हैं, जो कि एलन मस्क के स्टारशिप रॉकेट से चांद के चारों तरफ चक्कर काटने की योजना बना रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मस्क की इस योजना को कम से कम खर्च में सिर्फ और सिर्फ इसरो ही पूरा कर सकता है। उम्मीद है कि मस्क के स्टारशिप रॉकेट का प्रोजेक्ट इसरो को मिल सकता है, जिससे भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा हो जाएगा और देश का फायदा हम नागरिकों का फायदा है। तो उम्मीद है कि अब आपके दिमाग में यह प्रश्न नहीं घूम रहा होगा कि चंद्रयान 3 की सफलता से आपको क्या फायदा हुआ। चंद्रयान पर 620 करोड़ की राशि खर्च होने से आम आदमी का क्या मतलब है, क्योंकि अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चंद्रयान 3 की सफलता सिर्फ और सिर्फ देश का गौरव का विषय नहीं है, बल्कि ये हमारे और आपके जैसे आम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है। जय हिंद, जय भारत।